another episode of the Night Watchman, a cricket channel where me and Suam discuss about various cricket topics. So, aaj ke episode mein, we are going to be talking about Pakistan cricket. And because us as Indians don't have much coverage to Pakistan cricket in general, and also me and Suam kind of have a thoda knowledge gap in between Pakistan cricket ke bare mein and the rest of the world ke cricket ke bare mein, which is why we thought it is only fair for us to bring in some Pakistan cricket fan, and take some knowledge from him, get some education from him. Education bolo, learning bolo, jo bhi bolo. So we have Ramis joining from Lahore, and he has a channel of his own by the name of It Cricket by Rampus. And please go and subscribe to his channel as well. Insta pe bhi channel hai, YouTube pe bhi channel hai. So please follow karo, like karo, subscribe karo, sab karo. And Ramis, thank you so much for joining us and enlightening us with your knowledge. Matlab in advance mein bolo. No problem. Thank you so much, यार सूर्यांश और सोहम. Thank you, यार. बड़ा मतलब मेरा first time किसी Indian channel के साथ interaction है, तो मैं थोड़ा nervous भी हूँ, excited भी हूँ. तो let's see कैसा चलता है. कुछ नहीं भाई, हम cricket fans हैं, cricket fans की तरह बात करेंगे भाई, मजा आएगा. नहीं, easy easy, perfect. Yes. तो रामेश भाई, मेरा first question आपको ये है कि अभी जैसे पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुई, तो उसके पहले थोड़े चेंजेस हो गए. तो उसके पहले रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन बन गए थे. तो जब पीसीबी के चेयरमैन वो बने और स्क्वाड अनाउंस हुई, तो उसके बाद दो कोचेस जो आपके मेन कोचेस हैं, मिसबाह उल हक एंड वकार यूनिस, दोनों ने रिजाइन कर दिया था. तो उसका क्या रीजन था? कुछ वो लोग ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है या रूमर्स क्या चालू है कि क्यों रिजाइन कर दिया वो लोग ने? अच्छा, ऑफिशियल रीजन यही दी गई है कि क्योंकि आफ्टर सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मिसबाह उल हक कोविड हो गया था उनको. अच्छा. और वो उधर रहे थे, क्वारंटीन किया था उन्होंने 10 दिन जमैका में. उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आए थे. वकार पहले ही आ चुके हुए थे. तो रमीज की क्योंकि पहले ही अनाउंसमेंट हो गई थी लाइक ड्यूरिंग द सीरीज, तो चल ये रही थी बात कि शायद ये दोनों चले जाएंगे बिफोर द वर्ल्ड कप. और स्पेकुलेशन यही हो रही थी क्योंकि रमीज राजा की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है इन दोनों से. रमीज राजा इज मोर ऑफ अ मॉडर्न डे क्रिकेट, ड्रॉपिंग पिचेस, एग्रेसिव प्ले आउट, जैसे अब हम देखते हैं पूरी दुनिया का नेचर है. पाकिस्तान का जरा डिफरेंट होता है. तो दैट इज व्हाई ये चीज तो पहले से ही थी कि शायद ये दोनों चले जाएं बिफोर द वर्ल्ड कप. यस, ये उसके बाद जब मिसबाह पाकिस्तान आया, तो एक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की अब सीरीज है नेक्स्ट वीक, ODIs और T20s, तो उसकी सिलेक्शन पे काफी इश्यूज थे कि कोई कौन सा प्लेयर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए. तो एक खिचड़ी बना के कहा गया कि जी ये दोनों मतलब रिजाइन दे चुके हैं. बट अंदर जो स्टोरी जो चल रही है वो यही है कि इन दोनों को रिमूव किया गया. वेयर एज मिसबाह का, और ये दिखाया गया है कि एक तरह से रिपोर्ट रही हुआ है कि ये रिजाइन दे के गए फॉर कोविड रीजन, के बायो बबल में नहीं रह सकते. ऑब्वियसली बहुत टफ हो जाता है प्लेयर्स के लिए. वकार ऑन दी अदर हैंड, उनका साल से ही प्लान था क्योंकि वो बायो बबल में रह के थोड़े से वो हो चुके हुए थे, मतलब डिस्टर्ब हो चुके थे मेंटली. आपको भी पता है कि बहुत प्लेयर्स अब अपने आप को आउट कर लेते हैं, लाइक बेन स्टोक्स हमने देखा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप से अपने आप को पुल आउट कर लिया है. डिफरेंट प्लेयर्स इस तरह कर रहे हैं. तो वकार का प्लान था, साथ उनकी फैमिली के भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, लाइक उनकी वाइफ का की हेल्थ का बड़ा मसला चल रहा था. तो दैट इज व्हाई ही वांट्स टू कि चलो मैं साइडलाइन हो जाऊं. तो ये रीजन थी. एक्चुअली इस बात पे मेरे को याद है, पिछले साल मैंने ESPN क्रिक इन्फो पे मार्क निकोलस या निक नाइट किसी एक बंदे ने तो आर्टिकल लिखा था एक अबाउट दिस, कि इन द कमिंग टाइम्स फ्यूचर में, मतलब एक दो साल में, जो बायो बबल्स में रहते हैं क्रिकेटर्स, यू विल सी अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स बैकिंग आउट ऑफ टूर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कि बायो बबल फटीग हो जाता है. एंड उसने बोला था कि ओएन मॉर्गन, जेसन होल्डर, ये सारे कैप्टन्स अक्नॉलेज करते हैं उस बात को अभी से कि ये होने वाला है फ्यूचर में. So this is not going to be a surprise for us ki players bol rahe hain yaar mere se bubble fatigue, bio bubble fatigue ho gaya hai and now I can't stay in bubbles. To main actually bahut impressed tha tabhi se, ek saal ya डेढ़ साल पहले का ये article hai ki tabhi wo log ne predict kar liya tha ki ye hone wala hai. And now that I'm seeing it happen, Ben Stokes ke sath ho gaya, now I'm seeing ki IPL mein players aane ke liye ready nahi hai, David Malan ne back out kar liya. Saath mein aur isme main thoda sa add kar do Suryansh, jo meri bhi ab थ्रू पीसीबी का ऑफिशियल से बात हुई है, जो कवरेज करते भी है मीडिया के, वो खुद कहते हैं कि यार हम मतलब मेंटली फटीग्ड हो जाते हैं कि 40-50 days एक ही होटल में हमने रहना है, कहीं नहीं जाना. तो मतलब आसान नहीं है इवन डोमेस्टिक खेलना भी.
बहुत अंपायर से मेरी एक दो से बात हुई, कोचेस से बात हुई, तो वो तो बहुत ही ज्यादा फटीग्ड हो चुके हुए थे. सो दैट इज वाई वो फिर बेहतर है कि आप साथ साथ जैसे इंग्लैंड हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने अपना स्क्वाड चेंज करके खिला दिया था. अभी वर्ल्ड कप में काफी प्लेयर्स ने बैक ऑफ किया था, तो वो एक अच्छी चीज है कि प्लेयर्स भी थोड़ा सा अगर हम ह्यूमन नेचर पे आके देखें तो ठीक है, इट्स गुड. ठीक है क्रिकेट सफर करेगी आप प्लेयर्स की चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल में मलान ने, बेरस्टो ने अपने आप को कर लिया है, वोक्स ने कर दिया, तो नो डाउट आईपीएल के लिए बड़ा वो एक लॉस है, लेकिन ये एक प्लेयर के लिए बेहतर है कि वो अपने आप को रिलैक्स कर सकता है बड़े टूर्नामेंट के लिए, किसी बड़े मैचेस के लिए. करेक्ट. ऑल्सो लाइक लोग ये भूल जाते हैं कि लाइक स्पोर्ट्स स्टिल इज लाइक कुछ तरह से वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आता है. और लाइक although like हमारे sports person जो cricketers they are contracted to the PCB या BCCI ऐसा, तो उनके भी कुछ like मुझे अगर layman term से बोलना है तो sick leave होता है या paid leave होता है, ऐसे सब तो उनके भी कुछ होते रहेंगे वो, और and we are getting to see that now. क्योंकि उनके भी contract होते हर साल के grade A grade B, तो उस हिसाब से उनको भी छुट्टियाँ होती है और वो ले रहे हैं वो, and that is completely fine. Yeah. तो इसके आगे मुझे पूछना था, जो आपने बोला था वो तो लाइक ऐसा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या रैशनल रीजन था कि क्यों रिजाइन हुए हैं ये सब, तो मुझे पता करना है कि फैंस का उधर क्या कहना है, या ओवरऑल जनरली पाकिस्तान फैंस और इंडियन फैंस वी ऑल नो बहुत इमोशनल होते हैं, उनके अपने ओपिनियंस होते हैं, ट्विटर पे वॉर शुरू हो जाते हैं, तो जनरल फैन का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? फैंस अगर मैं फैन बेस की बात करूँ वो तो खुश हैं, क्योंकि वो बड़ी अगर मैं क्रिकेट में हट के बात करूँ वो अगर वो क्योंकि इमोशनल है जैसे आप कह रहे हो सोहम, तो उनका यही है कि यार मिसबा जिस तरह खेलता भी था कि यार उसकी गेम डिफरेंट थी, वो बड़ा आराम आराम से बारी लेके लाइक एंड पे आके एक्सेलरेट करता, तो वो तो वैसे ही तंग थे मिसबा से, तो कोच जब बना ज्यादा तंग थे क्योंकि रिजल्ट ऐसे आ रहे थे, लाइक इंग्लैंड की टीम से जिस तरह सीरीज हारी है पाकिस्तान, या जिम्बाब्वे से ओडीआई लास्ट ईयर हारी, इस साल T20 हारी, नो डाउट साउथ अफ्रीका को हराया होम एंड अवे सीरीज में, लेकिन उसे न्यूजीलैंड में जिस तरह जाके हारा, तो फैंस भी तंग थे कि यार अब इनको जाए बस करो खत्म करो इनको, अभी भेजो लाइक वो है हमारे एशिया में ये चीज के यार जो जरा सा परफॉर्म ना करे उसको बाहर करो. लेकिन अगर क्रिकेट इन टर्म्स में अगर मैं सेंस की बात करूं तो जो समझते हैं क्रिकेट को, जो इनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, वो कहते हैं यार थोड़ा जल्दी है, लाइक अब टीम का कोई हाल नहीं है, ऐसे थोड़ी मतलब जाया जाता है यार, लाइक वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट मंथ, उससे पहले एक सीरीज है आपकी बायलैटरल सीरीज है, आप जा रहे हो यार छोड़ के, लाइक 7 T20s हैं, 3 ODIs हैं, क्योंकि इंग्लैंड के भी 2 T20s हम पाकिस्तान खेलेगा न्यूजीलैंड सीरीज के बाद, फिर वर्ल्ड कप है. अब जो कोचेज आए हैं जिसमें सकलैंड मुश्ताक है हेड कोच, अब्दुल रजाक है असिस्टेंट कोच, वो एक जरा पॉजिटिव नजर एक चीज है कि मतलब सकलैंड इज अ क्वालिफाइड कोच, न्यूजीलैंड की टीम के साथ रहे, इंग्लैंड की टीम के साथ, वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ वो रहे, वेस्ट इंडीज के साथ रहे, रजाक का डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, रजाक हैज बीन कोचिंग फॉर अबाउट एन ईयर, PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक टीम है उनके साथ वो कोचिंग करते रहे हैं, तो रजाक के पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है. तो आगे जो मुझे फील आ रही है वो एक प्रेशर हटेगा प्लेयर्स के ऊपर से, लाइक जो एक पहले जरा हेडमास्टरी टाइप या स्कूल टाइप होता था सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट में, अब जरा वो चेंज होगा कि अब जरा प्लेयर्स को भी एज अ उस लेवल पे लेके आया जाएगा कि कोई बात नहीं करनी, परफॉर्म हो रहा, नो टेंशन, आप खेलोगे, लाइक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो. तो अगर इन दोनों को कैरी किया जाता है वर्ल्ड कप के लिए भी, दोनों को, रजाक और सकलैन को, तो आई थिंक ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. Right. तो अभी आपने बोला कि आप इसको एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज जैसे ले रहे हो फॉर द कमिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की, थोड़ा मॉड अब्दुल रजाक एंड दूसरा कौन आया, सकलैन मुश्ताक, सकलैन मुश्ताक, ये दोनों थोड़े ज्यादा मॉडर्न कोचेस है, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, इन द लॉन्ग टर्म वेयर डू यू सी दिस गोइंग, मतलब आपको लगता है कि ये लोगों की जगह परमानेंट हो जाएगी एंड इवन आफ्टर द वर्ल्ड कप दे विल एक्चुअली रिटेन देयर स्पॉट एज कोच एंड असिस्टेंट कोच? नहीं, आई थिंक फॉरेन कोच आएगा कोई, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर मैंने जितना स्टडी किया फॉर अबाउट 18 to 20 years, तो यही है कि यार इनको कोई गोरा कोच ही चला सकता है, क्योंकि थोड़े रीजंस की वजह से है, नहीं बनती किसी प्लेयर का, किसी के साथ मसला, तो आई थिंक कोई फॉरेनर ही आएगा. पीटर मोर्स के साथ इनकी डिस्कशन चल रही है, पीटर मोर्स अगर आता है तो ठीक है, बट मैं अगेन उसके कोई ऐसा वो नहीं हूँ सपोर्ट में. आई थिंक अगर लेके ही आना कोई लाइक टॉम मूडी जैसा कैरेक्टर,
या मुंबई इंडियंस के साथ माहेला जैसा कैरेक्टर एक चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेला भी हो, समझा भी हो और वो प्लेयर्स के साथ उस लेवल पे आ सके, ना कि एज अ टीचर आ सके जैसे हम देखते हैं, वो प्लेयर से प्लेयर के लेवल पे आ सके, तो वो एक चीज हम लोग लैक करते हैं। नो डाउट मिकी ऑर्थर में ये चीज थी कि वो प्लेयर से लेवल पे आता था, लेकिन उसके भी कुछ इश्यूज थे, प्लेयर साथ एंगलिंग थी, ये पाकिस्तान में एक तो एक है चीज। बट आई थिंक पाकिस्तान में जैसे अगर मैं फॉरेन कोचेस को देखूं तो बॉब वुलमर लेट बहुत अच्छे कोच थे पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान टीम को काफी बिल्डअप किया। डेव वॉटमोर थे थोड़े अरसे के लिए आए, बट मिकी था जिस तरह मिकी का रिकॉर्ड है, तो पाकिस्तान का ये ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड जो लोकल कोचेज हैं उनकी एंगलिंग बहुत रहती है पाकिस्तान में कि यार अच्छा इसने मेरे साथ मतलब अच्छी नहीं, मतलब मेरे टाइम पे इसने मसला कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं ये था वो, तो वो एक है इशू यहाँ पे। हाँ ये एक इशू तो है ही ना, और साथ में मैंने वो फवाद आलम के टॉपिक पे आता हूँ मैं। फवाद आलम के टाइम पे भी हमने सुना था कि 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फवाद आलम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट स्टिल ही वॉज नॉट गेटिंग पिक। तो मतलब आई थिंक ही मेड हिज डेब्यू, 3 मैचेस खेले उन्होंने और फिर उसके बाद द नेक्स्ट चांस ही गॉट वाज आफ्टर 10 या 11 इयर्स। तो आई हर्ड, मतलब ये तो अगेन मैं इंडियन हूँ और मेरे को जो भी स्पेकुलेशन आते हैं वो लिटरली 0% वेरीफाइड होते हैं, तो जो मैं सुनता हूँ मैं नहीं बोल रहा कि वो ट्रूथ है, बट मैंने ऐसा सुना था कि देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन कि बिकॉज फवाद आलम इज फ्रॉम कराची, कराची से ना फवाद आलम, हाँ सो कराची के प्लेयर्स को यूजुअली वो लोग कम प्रेफर करते हैं। इंजमाम उलक के टाइम पे मैंने ये सुना था कि इंजमाम उलक वाजंट वेरी कीन ऑफ पिकिंग players from Karachi, including Fawad Alam. So, is that something that happens in Pakistan? कि कोई जगह से लोगों को नहीं लेते या ऐसा कुछ? यार ये perception है, but ये गलत है। उसका reason मैं आपको देता हूँ कि जब Fawad Alam का debut हुआ, उसका अगर test debut की मैं बात करूँ, 2009 में हुआ, in captaincy of Yunus Khan. फर्स्ट टेस्ट मैच डेब्यू किया श्रीलंका में, 160 कर दिया, सेकंड टेस्ट भी खेला श्रीलंका टूर पे, फिर न्यूजीलैंड गया, वहां कुछ नहीं किया, फिर ओडीआईज में छोटे छोटे कमबैक्स किए, मिसबाह उलक की कैप्टनसी में आया, शाहिद आफरीदी ने कमबैक करवाया, यूनिस खान की कैप्टनसी जिसमें पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ही वॉज द मेन प्लेयर जो फील्डिंग में काफी ज्यादा हेल्प आउट करता था पाकिस्तान टीम को, बैटिंग में आके अच्छा करता था। इशू ये आया था कि 2017 में जब यूनुस और मिसबाह रिटायर हुए, उसके बाद फवाद डिजर्व करता था बिकॉज फवाद वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, लाइक 1200 रन्स पर सीजन डोमेस्टिक सीजन, 1300 रन्स, बट मजाक नहीं है हुआ। अब उस टाइम पे कैप्टन था सरफराज अहमद, ही इज आल्सो फ्रॉम कराची। अच्छा, अब सरफराज अहमद कैप्टन है तो ये एक परसेप्शन ही मतलब हो गया ना, डेड हो गया। इंजमाम चीफ सेलेक्टर था, इंजमाम गेव हिम चॉइस फॉर इंग्लैंड टूर के यार हम आपको फवाद आलम दे रहे हैं, हम आपको एक और प्लेयर दे रहे हैं, आप किसको लेके जाना। सो ही कॉल्ड फॉर साद अली, वो भी सेम कराची का ही है, ही स्कोर्ड सेम अमाउंट ऑफ रन्स, बट फवाद आलम ज्यादा डिजर्व करता था। अब उसमें ये फॉल्ट थोड़ी है कि कराची या वो लाहौर, नो डाउट एंगलिंग थी एक जमाने में, मैं ये नहीं कह रहा थी, बट आफ्टर 2000 जब क्रिकेट थोड़ी सी चेंज हुई है ये चीजें खत्म हो गई है, मीडिया भी जरा आ गया, वोकल हो गया चीजों को लेके, सोशल मीडिया बहुत वोकल हो गया, तो अब वो एंगलिंग खत्म हो चुकी है। लोग अपना सूर्यांश और सोम भूल जाते हैं कि मिसबाह उलक की था जो कमबैक जिसने फवाद को करवाया था टेस्ट मैचेस में, लाइक ही ये क्रेडिट मिसबाह को देना बनता है, लोग नहीं देते। मैं इस चीज के बहुत जरा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा प्रो मिसबाह भी रहा हूँ एक टाइम पे, नॉट एज कोच बट एज अ कैप्टन एंड बैट्समैन, मैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ, बट पॉइंट इज कि मिसबाह ने उसे कमबैक करवाया। सॉरी मेरे लाइक इवन आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मिसबाह एज अ प्लेयर, मुझे कोच के बारे में नहीं पता लेकिन मैं बहुत बड़ा फैन हूं मिसबाह उलक का। सेम, अब मिसबाह ने उसको कमबैक करवाया, लाइक ही फेल्ड इन फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, साउथहैम्पटन टेस्ट था, फेल हो गया, चाहता ड्रॉप कर देता, कहता बस जाओ घर बैठो आराम करो, ही गेव हिम अनदर चांस, ही स्कोर्ड 100 इन न्यूजीलैंड, उसके बाद से उसकी कोई 100 रुक ही नहीं रही है। तो ये एक परसेप्शन बनाया जाता है जो हमारा मीडिया करता है, मीडिया ने अपनी भी तो दुकान चलानी है ना। ये तो है हमारे यहाँ, मैंने इससे बोला कि देखो ये परसेप्शन मेरे को तो एज एन इंडियन फैन मिल रहा है थ्रू फेसबुक, नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये परसेप्शन दिया जाता है, ये आगे लाइक आप देखोगे आप भी ये परसीव करोगे ना यार ये इस तरह की यहाँ पे एंगलिंग है लाहौर कराची को लेके, मतलब इस तरह मसले हैं, बट ऐसा नहीं अब होता। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सरफराज ही कैप्टन था ना, सरफराज इज आल्सो फ्रॉम कराची, क्यों नहीं सेलेक्ट किया भाई। बराबर बराबर बराबर, अच्छा हो गया, चलो ये क्लियर हो गया। हाँ। और काफी चीजें क्लियर हो रही है वैसे इस बारे में, लाइक आपके थ्रू सच्ची बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है।
तो अभी आना है भाई मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे, जो अभी सबसे लाइक क्या बोलते हैं सबसे पास है अपने वर्ल्ड वर्ल्ड कप T20 जो लास्ट ईयर होने वाला था लेकिन इस साल होने वाला। तो क्या आपको लगता है कि जो लास्ट ईयर स्क्वाड चूज होता था और इस साल जो चूज है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है? लास्ट ईयर कौन सा स्क्वाड, सॉरी मैं, वर्ल्ड कप T20 में होने वाला था ना, तो वो अभी 21 में हो गया, तो उस साल का स्क्वाड और इस साल के स्क्वाड में काफी अच्छा, पाकिस्तान में स्क्वाड तब तक डिसाइड नहीं होता क्योंकि वर्ल्ड कप में पहले ही स्क्वाड तो कोई भी डिसाइड नहीं होता, लेकिन मैं ऐसे इन जनरल पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है चेंजेस तो हुई है। आई मीन सरफराज का चांस था वर्ल्ड कप लगेगा, मैं अगर लास्ट ईयर की बेस पे देखूं और अब देखूं तो चेंजेस हुए हैं, आजम की इंक्लूजन है। अगर आप सिलेक्शन की बात करो, मैं पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन से कोई ऐसे खुश नहीं हूं, मुझे है रिजर्वेशन दो तीन सिलेक्शन पे। नंबर वन है आसिफ अली, जिसको बहुत चांस दी है, जिसको सीपीएल में लीग ने बाहर बिठा दिया कि भाई तू भी जा, तेरे से नहीं होना कुछ उससे। वो नो डाउट कुछ प्लेयर्स होते हैं सोहम सूर्यांश जो डोमेस्टिक अच्छे होंगे नो डाउट, लेकिन इंटरनेशनल में नहीं कर पाते। नॉट एवरी डोमेस्टिक प्लेयर इज एन इंटरनेशनल प्लेयर, ये भी एक है, ठीक है, ये चीज है। या इंडिया में भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो इंटरनेशनली अच्छे नहीं होंगे लेकिन डोमेस्टिक में उन्होंने बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ रन किए होंगे। साथ अब दूसरी सिलेक्शन है आजम खान, नहीं जो सेंसेशन आजकल सोशल मीडिया पे आई हुई है। आजम खान ठीक है, नो डाउट बहुत जबरदस्त हिटर है, लेकिन उसकी वो नेपोटिस्टिक वो अप्रोच आ गई ना कि यार मोइन खान का बेटा है, उसके अंकल क्रिकेट बोर्ड में एक पोजीशन पे है, तो मतलब ये क्यों आया मतलब सिलेक्शन में? आप किसी और को देख सकते थे आप, लाइक अगर आपको नहीं रखना, एक अंडर 19 का प्लेयर है जो पाकिस्तान ने काफी उसको ग्रूम किया, रोहेल नजीर, ही इज अ गुड प्लेयर, उसको आप रख सकते थे। ही इज मोर लाइक मतलब आप कह लो कि स्वॉशबस्टलिंग प्लेयर है, रन निकाल सकता है, सरफराज टाइप रोटेटर है, आप उसको रख सकते थे। थर्ड आई थिंक आपको नहीं लगता कि हिज चांस वाज डिजर्वड, आपको लगता है कि बिकॉज़ मोइन नहीं, ही डोंट डिजर्व, ठीक है, नो डाउट ही इज हिटिंग बाउंड्रीज, ही इज अ न्यू सेंसेशन डिजर्व, लेकिन अभी आई थिंक उसका टाइम नहीं है, ही नीड्स सम टाइम, ही नीड्स टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। आई मीन आप एक सीजन खेल के आए हो, ये थोड़े हैं सिलेक्शन के इश्यूज। आजम खान उनका विजय शंकर है ऐसे ही है। तो थर्ड जो सिलेक्शन थी वो ये थी, खुशदिल शाह एक प्लेयर है सुल्तान सुल्तान्स का, लेफ्टी, अच्छा हिटर है, बट ही इज मोर ऑफ अ ओडीआई प्लेयर, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर। मैं उसको एज अ ओडीआई प्लेयर में ज्यादा देखता हूँ बिकॉज ही इज मतलब आराम से टाइम लेके फिर हिट करता है। आई थिंक उसकी जगह शुएब मलिक आ सकता था, क्योंकि बिकॉज शुएब मलिक एक्सपीरियंसड है, यूई कंडीशन सबसे ज्यादा अच्छी समझता है, एंड इफ यू ऑल रिमेम्बर एशिया कप 2018 जो इंडिया जीता था उसमें शायद अकेला शुएब मलिक था जिसने हर मैच में स्कोर किया था। आई मीन इंडिया पाकिस्तान के दोनों मैचेस में वही चल रहा था, अफगानिस्तान से मैच हुआ उसने मैच खत्म करके दिया पाकिस्तान को। तो ये सिलेक्शन के इश्यूज हैं, बट पाकिस्तान में आप सिलेक्शन में कुछ कह नहीं सकते कि ये फाइनल है। आई मीन 10th अक्टूबर तक एक डेडलाइन दी गई है और कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। आई मीन इफ यू रिमेम्बर 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने पहले कोई स्क्वाड चूज किया, फिर उसके बाद एकदम से आमिर और वहाब आ गए थे, तो वो पाकिस्तान में ये है कि कोई चीज एक सर्टन नहीं है। मेरे को लगता है ये बार जो पाकिस्तान और इंडिया ने एकदम ऑपोजिट अप्रोच लिया इन पिकिंग देयर स्क्वाड्स, मतलब इंडिया हैज गॉन फॉर एक्सपीरियंस, तुम अश्विन को ले लो, तुम जडेजा को ले लो, तुम मोहम्मद शमी को ले लो, तुम भूवी हार्दिक पांड्या, मतलब जो मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है एक छोटा सा, मैं आपसे क्वेश्चन बस एक, मुझे बताओ यार कुलचा डिजर्व नहीं करते थे यार? वही उसी पे मैं आना चाहता हूँ। तो विराट कोहली ने जब भी उसको पहले लास्ट ईयर ये पूछा था जब अश्विन आईपीएल में बहुत अच्छा खेल रहा था कि अश्विन की जगह बनती है इंडिया T20 स्क्वाड में, तो विराट कोहली ने बोला था वी ऑलरेडी हैव वाशिंगटन सुंदर एंड अश्विन इज वेरी सिमिलर एज अ प्लेयर टू वाशिंगटन सुंदर, मतलब दोनों ऑफ स्पिनर है, टॉल गाइज है, पावर प्ले मार के बॉलिंग कर सकते, बैटिंग में थोड़े बहुत रन कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो विराट कोहली ने बोला था दैट वी हैव वाशिंगटन सुंदर सो वी डोंट नीड अश्विन राइट नाउ अनलेस समथिंग ड्रास्टिक हैपेंस इन Washington Sundar's form, तो unless that happens, I don't see Ashwin getting a game, which was true, हमने भी agree किया कि बात बराबर है, लेकिन अभी ये हो गया कि Washington Sundar हो गया rule out IPL से, and World Cup के लिए भी I don't think he'll be fit, तो naturally there was this one slot जो open हुआ था, now many people could fit in that slot, तो उसमें से again मैं बोल रहा हूँ India went for experience कि India को था कि चलो ये बार हम लोग experience के साथ जाएंगे, this is probably Ravi Shastri's last dance, right? उसका तो लास्ट कोचिंग टूर्नामेंट है वो,
तो विराट कोहली एंड सबने बोला है भाई ये बार हम लोग वर्ल्ड कप जीतना ही चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, 3 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं मेरे, हम कुछ नहीं जीते इस बार, वील गो विद आवर बेस्ट पॉसिबल टीम विद द बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस प्लेयर्स, एंड उसमें कुलचा अनफॉर्चुनेटली मिस आउट हो गया बिकॉज अश्विन, अश्विन को आप यार मना नहीं कर सकते, पिछले 2 साल में अश्विन ने जो लिमिटेड ओवर्स में बॉलिंग की है इंक्लूडिंग आईपीएल बहुत अच्छी की है उसने, मतलब जो हमारे लोकल लोकल नहीं बोलूंगा, मतलब जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए, सईद मुश्ताक अली, विजय हजारे में तो खेला नहीं था, मुश्ताक अली में खेला था, एंड इसमें आईपीएल में दोनों में अश्विन ने काफी अच्छा किया है, तो यू कांट फॉल्ट हिम कि तुमने अश्विन को क्यों पिक किया, बट व्हाट आई कैन फॉल्ट इज कि शमी को क्यों पिक किया, मतलब मेरे भी है रिजर्वेशंस थोड़े अबाउट द टीम, बट अगेन अब वो कोहली साहब की थिंकिंग है कि हमको ये रखने हैं प्लेयर्स तो ठीक है। द थिंग आई लाइक अबाउट द इंडियन स्क्वाड और मैनेजमेंट के MS को एज अ मेंटोर लेके आए हैं, मुझे वो चीज बड़ी एक फैसिनेट की यार दोबारा एक, मतलब ठीक है रवि शास्त्री एक इन्फ्लुएंस है लेकिन MS का एक अलग ही इन्फ्लुएंस होता है इंडियन टीम पे, स्पेशली विद विराट इन सब जूनियर्स के साथ, वो एक चीज मुझे अच्छी लगी थी। एंड डोंट यू थिंक ये धवन को भी होना चाहिए था स्क्वाड में यार, एक्सपीरियंस अगर लेके जा रहे तो उसको भी कर लेते यार वो। वेरी वियर्ड, मुझे तो आई थिंक कुलदीप यादव की जगह नहीं बनती, जो आपने कुलचा के बारे में पूछा, आई डोंट थिंक कुलदीप यादव की जगह ओके बनती ठीक है, लेकिन आई है वांटेड चहल इन द टीम, आई रियली लाइक हिम एज अ बॉलर, वो अभी रिसेंटली रन दे रहा था और वो आगे भी रन देता था, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर है इसलिए मुझे वो यार, काफी आई थिंक पसंद है। लेग प्रॉबेबली स्पिनर का अक्षर ना, मैं पटेल की सोचता हूँ जगह लेग पे, स्पिनर प्रो। हाँ, अक्षर पटेल की जगह की सिलेक्शन हम लोग को समझी नहीं कि वो क्यों हुआ है, मतलब बैटिंग उसकी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बॉलिंग में ही हैज नेवर बीन द विकेट टेकर बॉलर, मैक्स वो इकोनॉमिक बॉलर होता है, तो आई डोंट सी हिम गेटिंग इन द टीम अनलेस जडेजा इज इंजर्ड या कुछ हो जाता है, जडेजा को हैज टू मिस आउट, तो प्रोबेबली ही कुड हैव ओके बीन गुड इन द ट्रैवल रिजर्व्स अगर रखना ही था तो, एंड यू कुड हैव चहल और समवन इन दैट इन हिज प्लेस, शार्दुल, बट हाँ हाँ बट वी वेंट विद ओके ऑल्सो क्या बोलते हैं राहुल चहल इन प्लेस ऑफ चहल ना। ऑल्सो पूरी दुनिया क्रिस स्पिनर्स पे मर रही है, तब्रेज शामसी, एडम जैम्पा, माइकल स्वेप, मिशेल स्वेपसन, अदील रशीद, और हम लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, दो नहीं किसको यार देखो, चाहिए आप लोग। लोगों पास राहुल चहर है, हमारे पास उस्मान हाँ कादिर नहीं यस है, आई वाज उस्मान कमिंग कादिर टू इज दैट। वे बेटर देन शादाब खान। हाँ मैं कहता हूँ देखो, आप लोगों के पास असगर पटेल आ गया है लेकिन हमारे पास मोहम्मद नवाज है ना, हम उसको ड्रॉप करना पड़ेगा हमें भी उसको, तो अब आई थिंक जैसे आप लोगों के पास राहुल चहर है, हमारे पास शादाब खान जो फॉर्म में नहीं है, इन प्लेस ऑफ हिम आई थिंक उस्मान कादिर, अगर आप लोगों ने देखा हो कि वो बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अब चेंज हुआ है, आई मीन आई प्लेड हिम लाइक 6 to 7 years अगो, तो वो मतलब उस वक्त तो बहुत तेज तेज करता था, वो थोड़ा सा कुंबले टाइप बॉलर था जरा करता था, अब तो वो चेंज लाइक हो चुका हुआ है कि अब तो वो जरा फ्लाइट भी देता है, लूप देता है, तो आई थिंक पाकिस्तान काफी प्लेयर टीम लिंक को चेंज होगी, पाकिस्तान टीम अभी मुझे जो फीलिंग आती है पाकिस्तान अपना स्क्वाड करेगा ट्वीक थोड़ा सा होगा। तो वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, ये लोगों का वापस आने हफीज का तो कुछ है, हफीज है हफीज पार्ट है स्क्वाड स्क्वाड का, में? हफीज हफीज है, एक अच्छा एक्सपीरियंस तो होता जाना, हम इतने भी यंगस्टर्स नहीं लेके जा रहे अच्छा, लेकिन कमिंग बैक, आई थिंक शर्जील खान और फकर जमन, फकर जमन को तो रिजर्व में डाल दिया, आई लाइक फकर जमन, लाइक इवन दो मिडिल ऑर्डर में आता था, नॉट इन हिज प्लेस, ही यूज्ड टू प्ले फास्ट, तो उसके बारे में कुछ आपको बोलना। फखर आई थिंक अच्छा प्लेयर है बट यूएई कंडीशंस में ही इज नॉट गुड, जैसे फखर एक खेलता है अपनी इनिंग्स, यूएई में इवन PSL में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, एशिया कप में भी हमने देखा था ही वाज मतलब आ रहा है जा रहा है, ही वाजंट मतलब इन हिज बेस्ट, क्योंकि यूएई की आपको भी पता है यार दोनों को कंडीशंस ही डिफरेंट है, वहां हाँ लाइक प्लेयर चाहिए करेक्ट, जो आराम से बारी लगाए खेले और फिर आपको रन दे, अब होगा भी ये देखो आप लोग भी बेहतर जानते हो क्योंकि IPL भी वहीं हो रहा है, पिचेस हो जाएंगी डेड स्लो हो जाएंगी, और वर्ल्ड कप में हमें नजर आएगा क्योंकि एक इफेक्ट तो आता है IPL के राइट, फौरन बाद, वो सेम कंडीशंस में वर्ल्ड कप है, तो वो उस उन कंडीशंस के लिए आई थिंक कि शर्जील भी इसलिए इंक्लूडेड नहीं हुआ क्योंकि उसके भी थोड़े से कुछ शेडी कैरियर रहा थोड़ा सा, तो आई थिंक हाँ, रमीज क्योंकि बड़ा उस चीज पे है कि यस रमीज राजा का आई एक रेड एक दो अबाउट चीज दिस। बड़ी डिफरेंट अप्रोच है, तो दैट इज वाई आई थिंक आमिर और शर्जील को का मुझे नहीं कुछ सीन नजर आ रहा, और सेकेंडली जिस तरह का पाकिस्तान का स्क्वाड है बाबर और रिजवान ऊपर आई थिंक इन कंडीशन के लिए ठीक है, नो डाउट हिटर चाहिए लेकिन इन कंडीशंस में भी बाबर और रिजवान ऑलवेज परफॉर्म, PSL हो गया या कोई बायलैटरल सीरीज हो गई, एक टैगलाइन इन पे ये भी दोनों पे चलती है कि दोनों स्लो खेलते हैं फिर एक्सेलरेट करते हैं तब तक टाइम निकल जाता है, बट अभी तक जितने मैचेज हैं इन दोनों की एवरेज लाइक पार्टनरशिप जो 100 तक गई है उसमें रन रेट रहा है 8 to 9 रन हाँ रेट में खेला है, तो
एक ना पाकिस्तान में ये भी बड़ी चीज है कि बिला वजह का क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है चीजों को लेके, कि यार ये तो मेरे को लगता हर ही चीज को इंग्लैंड की वजह से हुआ, ये जेसन रॉय बेस्टो ना आके दिमाग खराब कर दिया है, पहले बॉल से मारना चालू कर देते हैं नहीं सर, हर ये थोड़ी हो सकता है ये ब्रेंडन मैककलम ने असल में किया है, ये ब्रेंडन मैककलम ने किया, उसके बाद से फिर जेसन रॉय आया है। असल में अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो असल तो दिमाग खराब किया सहवाग ने, वो आगे जिस तरह सबको मारता था ना वहां से सारों पर नहीं ऐसे ही खेलना अब हमें। राइट राइट ऑल्सो मुझे बोलना है, जो आपने बोला कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ऊपर अच्छा खेलते हैं, तो मुझे उधर लगता है कि उधर आपने आजम खान का सिलेक्शन लाइक थोड़ा सेंस बनाता है, क्योंकि ही इज दैट हिट एंड मिस प्लेयर, जो अगर आएगा तो अच्छा खेलेगा तो बहुत अच्छा खेलेगा, नहीं तो हाँ, फिर नहीं बिल्कुल, टिके। बट तो आई थिंक देखो मैं उसकी सिलेक्शन पे कोई वो नहीं कर रहा, डिजर्व करता है इस वक्त एक पाकिस्तान को लाइक 5 और 6 पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आके क्विक 30-40 आपको करके दे लाइक 15-20 बॉल्स में। मेरा इशू यही है कि आप आजम किसकी जगह आ रहा है, लाइक कोई डिजर्विंग प्लेयर था ना लाइक सरफराज अहमद, उन प्लेयर उस टाइम पे भी उस नंबर पे भी अच्छा एक प्लेयर है कि फॉर एग्जांपल 10-4-3 हो जाता है या कुछ तरह का सीन हो जाता है, 50-4-3 है, कोई एक ऐसा प्लेयर तो चाहिए ना जो आके जरा टाइम ले हिटिंग करे। मैं बस राइट ये था, राइट बट आई थिंक अभी न्यूजीलैंड सीरीज एक टेस्ट केस है इनके लिए, उसके गुड बाद कोई अगर हमें नजर आएगी शायद चेंज। गुड। ये जो मैंने आपने बोला शर्जील खान के बारे में, वो मैंने पढ़ा कि रमीज राजा इज वेरी मच अगेंस्ट हैविंग प्लेयर्स हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन करप्शन बिफोर, तो मोहम्मद आमिर का तो आई थिंक नहीं बनने वाला है जगह ही इज अभी। अगेंस्ट, आई मीन एक क्रेडिट है रमीज को, पाकिस्तान में लाइक जैसे इंडिया में एक टाइम पे सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, पाकिस्तान में भी एक इंक्वायरी हुई थी इस तरह की एक बड़े लेवल की, उसका नाम है कयूम कमीशन रिपोर्ट। रमीज इज ओनली गाय आफ्टर राशिद लतीफ एंड आमिर सोहेल जिसको कहा गया कि यार ही इज अ क्लीन, ही इज मतलब नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग। तो और रमीज को जो सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही लोग दे रहे हैं कि यार ही विल फाइट अगेंस्ट दीज लाइक करप्शन, ठीक है, इस तरह की चीजों पे बोलेगा, अच्छी चीज है। आई थिंक ये अब जरा खत्म होना चाहिए यार, बहुत देख लिए हम। मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ पाकिस्तान मतलब लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, डिफरेंस थोड़ा सा देखें इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट उस सीबीआई केस के बाद से बहुत आगे चली गई है। अब इंडियन क्रिकेट में आई डोंट थिंक अब ये कोई चीज है, पाकिस्तान उसी चीज में दोबारा हर साल हम फिर 90s में जाते हैं लड़ने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं होता, हम लड़ने बैठे होते हैं। आई थिंक हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। ये आपने लड़ने की और बात की है तो शोएब अख्तर के का, मैं शोएब अख्तर का यूट्यूब बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मेरे को शोएब अख्तर का चैनल बहुत ही ज्यादा पसंद है, और भाई वो हर बार पीसीबी को गाली देते रहता है, पीसीबी का डॉक्टर ऐसे है, पीसीबी का बोर्ड ऐसा है, पीसीबी में ये नहीं है, पीसीबी में वो नहीं है। मैं तो मतलब वो सुन सुन के मेरे को अभी थोड़ा ऐसा हो गया है कि चलो पीसीबी में क्वालिफाइड लोगों की कमी है, आई हैव कम टू दैट रियलाइजेशन बिकॉज़ शोएब अख्तर कीप्स ऑन सेइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आल्सो रिसेंटली वसीम अकरम ने बोला था कि आप शोएब अख्तर को सीरियसली कैसे ले सकते हो। नहीं देखो यार शोएब नो डाउट ठीक है, क्रेडिबल आदमी है, बोलता है थोड़ा सा ज्यादा बोल जाता है, इट्स लाइक कि मैं तो उसे एक वो कैरेक्टर टाइप कहता हूँ कि वो कैरेक्टर होते जिसे सब आता है, मैं मास्टर हूँ मास्टर जिसे सब आता है, तो शुएब नो डाउट से चीजें समझता है, बट अगेन पाकिस्तान क्रिकेट अभी लाइक ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता ना, ओवरनाइट तो सब ठीक नहीं हो सकता, इट टेक्स टाइम। गुड थिंग ये हुई है कि इस बोर्ड ने जो जिसको हेड ऑफ वसीम खान और रमीज अब देखेंगे उसमें एक चेंजेस अच्छे थे, लाइक एक्स प्लेयर्स जो पाकिस्तान में आके टीवी पे एक दूसरे को गालियां देते थे, अब चलो वो एकेडमी में है, प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, रिजल्ट्स आहिस्ता 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 ही आएंगे, ये चीज अच्छी है। मेडिकल पैनल भी चेंज किए हैं, अब PhD डॉक्टर्स आए हैं, चेंजेस आ रही है, बट ऐसा नहीं है जैसा होता है, वो शोएब है वो कह सकता है, वसीम ऑन द अदर हैंड लाइक उन दोनों का तो यार वो लाइक वही है कि मतलब मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था इन दोनों की राइवलरी कोई पिछले 99 के वर्ल्ड कप से चल रही है, कि वो एक है इन दोनों का मसला, आई थिंक अब निकल आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा यार आगे चलो क्रिकेट जैसे अब आप लोग फॉर एग्जाम्पल अब मैं देखता हूँ इंडियन क्रिकेट 2015 के बाद से इंडियन क्रिकेट सिर्फ आगे की बात करती है, कोई एक दूसरे को मतलब कपड़े नहीं उतार रहा लाइक मीडिया पे, अब वो कंस्ट्रक्टिव है, तो यही हम चीज पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तान में, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, तो वो चीज भी आप लोग यार देखा करो, मैं तो यही कहूंगा। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन ही हेल्प करते हैं, नॉट जस्ट अस, आई थिंक जो हम 3-4 व्यूअर्स जितने भी है उनको भी इस बारे में पता चलेगा कि ये सब भी है, क्योंकि हमारे पास कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लाइक असजद का एक चैनल है हु वुड लाइक उसके थ्रू कुछ पता चलेगा, आपका चैनल है, लेकिन ऐसे कन्वर्सेशंस बिटवीन फैंस की इधर बीसीसीआई है तो फिर भी ज्यादा ब्लोन है,
लेकिन पीसीबी का इधर तो कोई कवरेज है नहीं, तो ये कन्वर्सेशन इसीलिए है ये ना कि देखो पाकिस्तान, मैं भी अगर ऑनेस्टली बात करूं मेरा भी सारा फोकस पाकिस्तान क्रिकेट ही रहता है, मैं पाकिस्तान देख रहा हूं, तो इंडियन क्रिकेट मिल जाए तो ठीक है देख ली, लेकिन इंडिया इंग्लैंड सीरीज मैंने पूरी कवर भी की, देखी भी, मजा भी आया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज भी पूरी की, लेकिन कुछ मैचेस नहीं भी आते यहाँ तो वो भी एक इशू आ जाता है, वो फिर साथ साथ चलता है। आईपीएल यहाँ नहीं कवर होता, मैं मतलब नहीं कर पाता, देख भी नहीं पाता उस टाइम पे, लाइक मेरा होता है कि अच्छा चलो वर्ल्ड कप आ गया है यार, पाकिस्तान क्रिकेट की चल रही है सीरीज, वो एक है। इवन जो हमारे हमने ऑस्ट्रेलियन जो बायस वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट करके एक पेज उसके साथ किया था, उन्होंने भी यही बोला था कि उनके इधर भी आईपीएल नहीं आता, उनके लिए इजी नहीं आईपीएल देखना, तो मतलब फ्री टीवी पे आईपीएल नहीं आता, उनका वो सब्सक्रिप्शन लेके देखना पड़ता है, तो उधर भी आईपीएल का इतना ज्यादा क्रेज है, सो इट्स वेरी फेयर। तो हाँ, तो जैसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था रमीज राजा पे, बट आई थिंक वो थोड़ा क्लियर हो ही गया है, बट फिर भी एनी लास्ट पार्टिंग थॉट्स ऑन रमीज राजा एज पीसीबी चेयरमैन? हाँ, मैं बता रहा था कि रमीज यार डिपेंड्स कि कल वो अपना लेंगे चार्ज लेंगे एज अ पीसीबी चेयरमैन, तो डिपेंड्स अब वो क्या करते हैं, लाइक अभी तो कुछ कहना लाइक मुश्किल है कहना तो मेरे लिए तो, लेकिन अच्छे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं उनसे कि एक मॉडर्न बंदा आ रहा है, क्रिकेट समझता है, कॉमेंट्री भी करता रहा है, पीआर भी अच्छी है, तो आई थिंक चीजें बेहतरी की तरफ ही आएंगी, इम्प्रूवमेंट का चांस है। आई थिंक इन अ लॉट ऑफ वेज जो चेयरमैन होता है ना, जैसे अपने यहाँ पे भी दादा है जो हाई पोस्ट पे होते हैं बोर्ड के, मेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग अगर मॉडर्न गेम से एसोसिएटेड हो इन एनी वे, मतलब अगर आप ब्रॉडकास्टिंग को ही देख लो, दादा और रमीज राजा दोनों ब्रॉडकास्टिंग में थे, तो व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इन दैट तभी भी आपको काफी कुछ अलग अलग क्या बोलते हैं चीजें पता चलती है जो आपको शायद एज अ प्लेयर या एज अ पर्सन पहले ना पता हो, मतलब स्पॉन्सरशिप्स कैसे लानी है, ब्रॉडकास्टिंग में पैसे कैसे जनरेट होते हैं, कैसे यू कैन मैक्सिमाइज द रेवेन्यू फॉर योर बोर्ड, मतलब अगर आप अभी दादा को भी देख लो, ही इज प्रायोरिटाइजिंग आईपीएल ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट, वो सबको दिख रहा है, मतलब ऐसा हो ही रहा है, बीसीसीआई कब से कर रहा है, हमने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप चेंज करा दिया क्योंकि हमको आईपीएल रखना था, तो बीसीसीआई के पास ये पावर है एंड हम लोग वो कर पा रहे हैं बिकॉज हम लोग समझते हैं कि आईपीएल इज अ कैश मेकिंग वट एवर टूर्नामेंट फॉर द बीसीसीआई, जिससे पूरे साल का खर्चा बीसीसीआई का आईपीएल से ही निकलता है, एंड द गुड थिंग इज कि हम लोग को खर्चा वो हम लोग जो पैसे उससे बन रहे हैं वो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जिसके वजह से इंडिया ए के टूर्स हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो थोड़े हाई स्केल पे हो रहे हैं, तो आई थिंक इन अ सेंस वो बढ़ ही रहा है 2015 के बाद से, वी हैव सॉ दिस चेंज एंड ये अच्छे वे में हो ही रहा है चेंज, तो आई थिंक विद रमीज राजा पाकिस्तान के लिए भी ये हो जाएगा कि एटलीस्ट फाइनेंशियली ही विल मेक श्योर कि प्लेयर भी आगे बढ़ रहे हैं, बोर्ड भी आगे बढ़ रहे हैं और कंट्री का क्रिकेट भी आगे बढ़ रहा है, तो I also have high expectations from Ramiz Raja in that sense. यार आई थिंक रमीज का भी क्योंकि बैकग्राउंड अगर मैं क्रिकेट की तो बात करूँ है ही, साथ एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं छोटी सी एक एग्जांपल बताते हुए देता हूँ कि पाकिस्तान में 90s में ना एक बैंक था, उसकी डोमेस्टिक टीम थी, तो रमीज को एज अ बैंक की टीम देगी कि आपने इस टीम को एज अ मतलब ब्रांड बनाना है, तो रमीज लाइक उसने जॉब्स प्रोवाइड की प्लेयर्स को, नया कैप्टन लेके राशिद लतीफ को, और उसने डोमेस्टिक टाइम पे 97-98 में उस टीम ने डोमिनेट किया पूरा सीजन, अलाइट बैंक उस टीम का नाम था, तो उधर से प्लेयर्स को जॉब्स प्रोवाइड की गई, उनको सिक्योरिटी दी गई, तो आई थिंक रमीज का एक माइंडसेट है चीजों को लेके कि पीएसएल को भी कैसे एक बनाना है ब्रांड, जैसे आईपीएल को आप लोगों ने ब्रांड बनाया है, तो वो एक चीज है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक जैसे आप लास्ट ईयर वर्ल्ड कप पोस्टपोन हो गया ड्यू टू आईपीएल, या एक जैसे अब माइकल वॉन और ये एथरटन जिस तरह की बात कर रहे हैं वो भी एक है, एक चीज है भाई, एक है बादशाह बादशाही है जिसे हम कहते हैं, एक ठीक है दादा दादा है कर सकता सर। नाइस ऑन दैट नोट, सो ऑन दैट नोट थैंक यू रमीज भाई ज्वाइन करने के लिए हमको, एंड काफी मजा आया तो हम यार बड़ा मजा आया ऑनेस्टली, ठीक है थोड़े से ग्लिचेस आ गए थे लेकिन, और मुझे सीरियसली बड़ा कोई मजा है बात करके, और आई होप सो कि हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और मैं आप आओ मेरे साथ भी एक चैनल पे, मेरे चैनल पे भी आ जाओ यार, हमें भी मजा है आपके साथ बात करके, सो यस थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टिल द एंड, अगर आपने इधर तक देखा है तो, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, हिट विकेट बाय रैंपस को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, एंड बाय बाय।